जरूर मिलेगा। फ्लाइट पैड की बात करते हैं, फ्लाइट पैड गैट गटका से शुरू होकर यहाँ पर मिलिट्री बेस पे जाकर खत्म हो रहा है। को थोड़ी देर में पता चल जाएगा मिड जोन के ऊपर चलेंगे। यहाँ पर 11 नंबर स्क्वाड दैट इज गॉड लाइक फिर से रोटेशन दे रहे हैं, उन लोगों के सामने एक और बंदा है, एक्जी यहाँ पर बैडल स्प्रे करते हुए स्प्रे से रॉलर्स के बैट को वॉट के ऊपर है। यहाँ पर एक बंदे को प्रसन्न को गिरा दिया गया है, दूसरा बंदा भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा। गिल भी यहाँ पर नॉकआउट है, किंग एक्जी यहाँ पर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, स्मोकी भी ऊपर से एंगल बनाने की कोशिश करते हुए। रॉलर्स का अकेले बंदा जो बच गया था वो पीछे है, दैट इज बॉट एंड वो भी यहाँ पर 1 HP एंड वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। एंड ब्रॉलर्स यहाँ पर क्लियर आउट हो चुका है, गिल नॉकआउट हुआ था सिर्फ मैच में। एलएस वर्सेस फाइट शुरू हो चुका है, एलएस के दो बंदे यहाँ पर नॉक है, अर्थ मिस यहाँ पर पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे एमसीसी ने कवर देने की कोशिश, बट ये बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। अर्थ मिस भी यहाँ पर क्लियर आउट हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर टीम TSM/NTT टीम लेक्सटम को इजीली क्लियर कर देगी। ओपन में फंस चुके थे, वहां पर स्प्रे वगैरह नहीं करना चाहिए था, बट उन लोगों के सामने टीम नंबर 8 है, नहीं आई थिंक पीछे है, चलो देख लेंगे। उधर उन लोग 8 का स्क्वाड यहाँ पर क्लोज इन करते हैं, मैच कैच के ऊपर, मैच कैच यहाँ पर फंस सकता है, 1v2 सिचुएशन है मैच कैच के लिए। मैच कैच यहाँ पर अकेले बंदा अक्षु है सामने, यहाँ पर सूर्या ने VLT से एक और बंदे का नॉकआउट करता है, 7 को रहता है, 7 डैमेज नहीं कोशिश, 7 को यहाँ पर डैमेज नहीं कोशिश के चक्कर में यहाँ पर अक्षु क्लोजिंग कर सकता है, अक्षु के ऊपर भी डैमेज दिया जा रहा है, 7 यहाँ पर शैडो गार्ड में नॉकआउट हो चुका है 1v1 में। मैच कैच वर्सेस अक्षु यहाँ पर 1v1 यहाँ पर पूरा जम करके आया अक्षु, बट टिक नहीं पाया मैच कैच के सामने। यहाँ पर 8 बीट अपने दो बंदे को यहाँ पर खो देंगे, शैडो रॉक्स यहाँ पर फंस सकते थे बट बच गए, साउंड आ चुका था उसको पीछे, 7-6 का स्कोर भी है, 7-6 का भी फाइट हो रहा था, 7-6 डर की नॉकआउट हो गया टीम टमिलियस के द्वारा, आतंकी पर नॉकआउट हो चुका फॉर मर्सी से, एंड आईएस ने आतंकी किल इंस्टेंटली निकाल चुका है। 7-6 के ऊपर चलेंगे, 7-6 के इवॉक के ऊपर उन लोगों ने एक किल था वेलोसिटी गेमिंग का, बट यहाँ पर डकी को रिवाइव दिया जाएगा, मिड पर एंगल वगैरह बनाएंगे, एंड वीएससी कॉर्नर से एक डीप पे है, एंड वो डीप से ये जो हाई रीच है जोनाथन की टीम इजीली किल्स निकाल सकते हैं, बट HBB ने वहां पर एक रोटेशन दिया है, HBB का रोटेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जोनाथन जेड गॉड एंड घातक को रोकने का बटन है, जोनाथन का स्प्रे आएगा, एक और नॉकआउट हो सकता है, HBB का लेफ्ट साइड से कभी भी फ्लैंक आ सकता है, स्प्रे आ सकता है, जोनाथन यहाँ पर नेट करते हैं, बट HBB के ऊपर देखना पड़ेगा, वही चलेंगे, HBB यहाँ पर डैमेज नहीं कोशिश, जोनाथन को उसने नॉकआउट किया जो मैं बोल रहा था, बट उस नेट से दो बंदे नॉकआउट हो चुके हैं, एंड वो दो बंदे है ईवो एंड अभी, दोनों के दोनों बंदे वहां पर नॉकआउट एंड क्लियर आउट भी हो सकता है, कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ पर रोज वो ऊपर चलना पड़ेगा, रोच बहुत ही अलग है अपने टीम से, HBB के ऊपर पूरा गेम आ चुके हैं, पर 1v4 सिचुएशन है, जोनाथन को उधर रिवाइव मिल सकता है, बट जोन अगर देखोगे यश ने फैम पे स्प्रेड आउट हो चुका है, TSM/NTT जोनाथन ब्लीड आउट हो गए, इतना ज्यादा डैमेज दिया गया था, प्ले जोन के मार खा के वहां पर क्लियर आउट हो चुका है। यहां पर HBB के लिए और ज्यादा दिक्कत होते, थोड़ा बहुत डैमेज खाया, HBB को भी पता है यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, बट यहाँ से रोटेशन भी नहीं देखते, रोटेशन देखोगे ओपन से जाना पड़ेगा, जोन के बाहर ही है बंदा, एंड टीम TSM/NTT का हर एक बंदे को पता है स्प्रे बहुत अच्छा है, वो स्प्रे में गिरा सकते हैं, उसको भी पता है ओपन में ज्यादा जाएगा तो रिक्स हो सकता है, थोड़ा बहुत बूस्टेड करेंगे जोन के अंदर है। फनेटिक परितोष ने ऊपर वीडियो को नॉकआउट किया, ही इज प्लेइंग विद सेल्स टीम, एंड यहाँ पर गब्बर एंड टीम एक किल निकाल चुका है, 4 का 4 बंदे बचे हैं, पर दलजीत नॉकआउट हो चुका है, वहाँ पर पुश आ चुका है, और दलजीत को इंस्टेंटली गेम से बाहर निकालते हैं, सेल्स का स्क्वाड है जोन के अंदर एंट्री करेंगी, एंड यहाँ पर चलेंगे टीम नंबर 18 के ऊपर, एक और बंदा वीडू भी नॉक है, एंटो को देखोगे एंटो लास्ट मैच सर्वाइविंग हो, क्लच गॉड को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, बट वो घातक को बचाते हैं, घातक को भी नॉकआउट करते हैं, घातक का किल यहाँ पर वो सिक्योर कर लेगा, या फर्स्ट एड लग जाएगा, नहीं लगेगा मेड किट, एंड यहाँ पर वो भी खत्म हो जाएगा, उसको पहले किल निकाल लेना चाहिए था क्योंकि उसका बचने का कोई चांसेस ही नहीं था, बट यहाँ पर चलेगा 7-6 के पास, अच्छा खासा पोजीशन है, TSM/NTT के सिर्फ जेड गॉड बचे जो जोन के अंदर जाना प्रेफर करेंगे, क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे, जोन के अंदर पहुंचा है, वेग में पीछे कवर लेने की कोशिश कर सकते हैं, बट दो साइड से प्ले आ रहा है, कवर फायर पे ही ये खत्म हो सकता है, बट ये बच गया, क्या गॉड है, कब तक बचेगा वो देखना पड़ेगा, बैक टू बैक स्मोक वगैरह भी करना चाहिए, बट यहाँ पर देखोगे जेड गॉड पहले हील कर रहा है, हील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बुलेट से डाउन हो सकता है, वहाँ पर INT डाउन कर, वहाँ पर नेट आते हुए नेट का डैमेज वहाँ पर नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा, लेकिन एक बम से नेट आया, इस नेट से खत्म होगा फनेटिक परितोष का बहुत ही प्यारा नेट, थोड़ा बहुत फ्लैंक मारे थे बट वो भी उनके अंदर जाना प्रेफर करेगा। जेब्रा के ऊपर चलेंगे, IGL पावर हाउस वहाँ पर होल्डर बैठा है, गिल ने वहाँ पर सेल्स के दो बंदे को नॉक किया, माय बैड एलिमेंट के दो बंदे को मैंने नॉक किया, वहाँ पर एलिमेंट का जेसन को गॉडल, गिल ने इंस्टेंटली गेम से बाहर निकलते हुए गिल का एक नेट से खत्म है, वहाँ पर 8 का स्कोर क्लियर हो चुका, डार्क यहाँ पर इनकोर के ऊपर स्प्रे करने के, रिमेनिंग एक बंदा ही बच चुका है, पैडॉक्स एंड पैडॉक्स के ऊपर स्प्रे ट्रांसफर किया जा सकता है डार्क की तरफ से, बट ये सक्सेसफुल होगा कि वो देखना पड़ेगा, हमें इनकोर क्लोजिंग कर चुका है, इनकोर बहुत ही कम एच पे साथ है, इनकोर को भी नॉकआउट कर दिया गया, पैडॉक्स भी स्पॉटेड है, पैडॉक्स भी खत्म हो जाएंगे, टीम मेगा स्टार जो क्लियर आउट हो चुका है, मार्कोस गेम के पास 4 किल है, उस साइड देखोगे टीम एलिमेंट है, टीम गॉड लाइक है, इस साइड पे है टीम पावर ऑफ 7 सीज
एंड पीछे मैम एक और नेड आते हुए डूट को इंस्टेंटली क्लियर आउट करते हैं। सूर्या को ऊपर डैमेज आया, अच्छा खासा डैमेज खाया, स्मोक के ऊपर अभी पुश वगैरह कर सकते हैं स्लेयर एंड टीम, वो देखना पड़ेगा। बैक टू बैक नेड वगैरह किया जाए, मैक्सेस पीछे जोन के बाहर है, स्लेयर का स्कोप ब्लीच है, गिल ऊपर पावर ज़ेब्रा को मिनी 40 के टैप से नॉकआउट कर चुका है। आईएनडी की टीम यहां पर बहुत ही अच्छे पोजीशन में, आईएनडी कैसे भी नहीं पता है मेरे को बट वो लोग इन जोन में कैसे भी करके आ जाते हैं। यहां पर स्मोकी विद द डीपी सिक्सेस आइकॉनिक स्पॉट नहीं कर पाया, व्हीकल का टायर बर्स्ट आउट करना चाहेंगे बट वो बर्स्ट करने से वो ना तो रैंडम देना चाहते थे बट यहां पर कॉर्ड लेकर जोन के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। किंग एक्सी स्मोक पैथ बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उसके तरफ से गिल अकेले पास के निकाल चुका, मार्कस किंग के शैडो को डकी ने वहां पर नॉकआउट किया, डकिंग ओवर चलेंगे क्या शैडो को वो इंस्टेंटली क्लियर आउट कर सकते हैं कि नहीं, नहीं क्लियर कर पाए, एंगल नहीं है। यहां पर 7-6 का स्क्वाड को जोन के अंदर जाना पड़ेगा, एक रीड एडवांटेज है, क्रेटोस ने जिक्सो को नॉक किया, उसको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल देगा क्रेटोस। एंड पीछे 7-6 डकी नेड आया क्रेटोस के ऊपर, बहुत ज्यादा डैमेज किया बट बच चुका है। मिन टाइम मार्कोस गेमिंग को भी बहुत ज्यादा ही डैमेज दिया जा रहा था, एक्जी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे स्लेयर की तरफ से, एंड स्लेयर के ऊपर एक नेड आया था वो नेड कनेक्ट नहीं हुआ, बच जाएंगे यहाँ पर कॉडल गिल एंड पे रोटेशन देखे उनके अंदर आने की कोशिश बट वो भी यहाँ पर स्पॉटेड है स्लेयर की तरफ से, वो भी यहाँ पर नॉक है बट उसको पावर उसका डार्क इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल देगा। स्मोकी अपनी टीम से एक्जी को बचाने की कोशिश करेगा, ट्रिगर आई थिंक उसको हाथ लगा चुका है, रीच का खबर है अगर देखो चारों साइड पर रीच का खबर है, चारों साइड पर स्मोक है, साइड ओवर नॉकआउट होकर चांस के द्वारा आईएनडी पर रोकने का नाम ले रहे, हर एक साइड पे किल निकाल रहे, हर एक साइड पे वो डैमेज वगैरह दे रहे, एंड ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल है आप सबको अभी सामने देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखोगे आईएनडी से स्नैक्स है, उसके राइट साइड पे मार्कोस गेमिंग के सूर्या, आई थिंक मार्कोस गेमिंग सिर्फ आखिरी बंदा है 11 किल एंड गॉड लाइक टॉप 4 पे आ चुका, तो डिफरेंस वो लोग ऊपर आएंगे। यहाँ पर टॉप 3 पे आ चुका मैच है, पावर ऑफ डाको में क्लियर होता है, क्रेटोस से नॉकआउट हो जाएगा ट्रिगर के हाथ पे, अभी गॉड लाइक स्पॉट पुश करेगा, स्लेयर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट लॉक, स्लेयर को भी यहाँ पर नॉकआउट करते हुए स्मोकी बहुत ही ओपी एंट्री करते हुए वहां पर अकेला बंदा बचा ट्रांस, बट यहाँ पर वो क्लियर आउट हो जाएगा, पावर हाउस के पास अच्छा खासा चांस है, अगर उन लोगों ने किल फीड लीड किया है तो वो लोग पुश करेंगे, यस दे हैव रीडन द किल फीड एंड अभी पुश करेंगे, अकेले बंदे ट्रांस बचे, अकेले ट्रांस बचे एंड बट वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एंड पावर हाउस कमिंग अप विद द विनर चिकन डिनर ऑफ द फर्स्ट गेम ऑफ डे 4 ऑफ वेलोसिटी टूर्नामेंट। एंड गाइस हिट द लाइक बटन एंड हैशटैग जीजी फॉर पावर हाउस इन द चैट, हो जाना चाहिए 7 किल के साथ, दे हैव टेकन द चिकन डिनर सेकंड है आईएनडी विद फ्लाइट बैट जो है वो जा रहा है लॉस ली एगोस से एकदम एल हजार तक, एकदम बहुत ही अच्छा फ्लाइट बैट आप उसी के साथ ऑलरेडी पुश कर सकते हैं। इग्नाइट के ऊपर पूरा का पूरा स्क्वाड चढ़ेंगे, अकेला बंदा यहाँ पर इग्नाइट, एक बंदे को यहाँ पर नॉकआउट करने की कोशिश एंड एक को नॉकआउट कर देगा, रिलोड पे वो नॉकआउट हो जाएगा यहाँ पर एंड उसको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अक्षय एंड टीम आ रहे थे बट वो ज़्यादा लेट बोल सकते हो, बुपडॉप ऊपर से कवर फायर दे रहे थे बट दैट विल नॉट बी सफिशियंट, यहाँ पर चलेंगे यहाँ पर उजी के साथ क्लोजिंग करने को एट लास्ट बट वो क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा ही डैमेज खा चुका है, बोपटॉप है पीछे से बैटल का हिफ फायर दे रहे हैं, वहाँ पर एक बंदा मैंने जैसे देखा था किल फीड में 8 फीट जिसको नॉक किया, 8 फीट ऊपर नॉकआउट हो चुका है बट वहाँ पर एक्सेप्ट को यहाँ पर नॉकआउट करते हैं जिक्सो उधर नियम भी एंड अभी बोपटॉप के लिए 1v2 सिचुएशन, बोपटॉप इज इन डीप ट्रबल एट नाउ, यहाँ पर आ गया मनु एंड मनु यहाँ पर नॉकआउट हो सकता है, यस मनु यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं क्लोजिंग करते हुए एंड यहाँ पर मिनी 40 चेंज करते हैं, वो दरवाजे के बाहर रहना चाह रहा था, दरवाजा वहाँ पर बंद करना चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम के स्क्वाड को फिर से यहाँ पर 7-6 मीरामार में पिकार्डो में क्लियर आउट कर चुके हैं, जैसे नहीं यहाँ पर M4 का स्प्रे कर रहे थे 8 फीट की टीम के ऊपर नहीं कर रहे घातक इस पोजीशन में 1v सोलो बंदा यहां पर बचा है 7-6 की तरफ से, दैट इज इवोक आई थिंक, नहीं 7-6 से मनु बचा है, मनु द आईजीएल यहां पर एक कोक नेट करते हुए आई थिंक इस नेट ले सकता था बट वो नेट नहीं ले जाए, उसके ऊपर भी कोक नेट आएंगे, स्मोक वगैरह भी इस्तेमाल किया जाएगा 1v4 अगेन टीएसएम एंटिटी इज लाइक इंपॉसिबल सिचुएशन, दो साइड पे दो नेट है एंड ये नेट भी उसने स्पॉट किया उसके सामने ही जाकर खत्म हो जाएगा। यूटिलिटी से जोनाथन यहां पर रोटेशन दे रहे हैं, उसके पास से पूरा स्प्रे आएगा, जोनाथन के उतर चुका है, महम की टीम को स्प्रे करेंगे, जोनाथन 50 एचपी के साथ है बट महंगा टीम अगर उधर उतर जाता है तो मुश्किल हो सकता है, वहां पर इमॉर्टल उठे उतरे बट इमॉर्टल एंड नियो दोनों आई थिंक प्लेयर्स उनका डैमेज करना नॉकआउट हो सकता है या नियो नहीं होगा, नियो बच गया तो यहां पर जोनाथन प्लेज इमॉर्टल प्लेज उनका डैमेज करना नॉकआउट हो चुका है, वो यहां पर क्लियर आउट हो जाएगा नियो का हिफ फायर एकेएम से बट मैम का रिमेनिंग बंदे जोन के अंदर एंट्री कर लेंगे वगैरह निकाल सकते हैं। दलजीत ने एक और करारा हेडशॉट ऑन आइकॉनिक यहां पर मैच कैच गिरा देगा, मैंटी ओपी को दो स्टार प्लेयर ऑफ द मिलियंस एंड उसको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा, टीम
मार्कोस गिव के शैडो का राइट से बॉलर्स का स्क्वाड आएंगे, ब्रॉलर्स के टीम को स्प्रे आ रहा है बट उसके पीछे से यहाँ पर कभी भी स्प्रे आ सकते हैं भाई। गॉड आईजीएल बट शैडो ने यहाँ पर नॉकआउट कर चुका है बैट को, बॉट को एंड बॉट वहाँ पर क्लियर आउट हो चुका है। गब्बर वहाँ पर वीडियो को स्प्रे से नॉकआउट हो चुका है एंड एलिमेंट के गब्बर को व्हीकल एक्सप्लोशन में मवी ने शहीद करते हुए एंड यहाँ पर शैडो को भी बहुत ज्यादा डैमेज आ सकता है। जेड गॉड वहाँ पर क्लोक के द्वारा नॉकआउट हो चुका है पैराडॉक्स के द्वारा उनके टीम से बैट को अभी भी बचे आदित्य यहाँ पर थोड़ा बहुत स्प्रे कर रहे थे एंड देखते हैं स्प्रे वगैरह कैसे रहता है। टीम ऑक्सी से टीम महम से क्लोक अभी बचे, फनेटिक से परितोष जो खेल रहा है सेल्स के स्क्वाड के साथ वो अभी भी गॉड लाइक स्क्वाड को पिन करके रखना चाहते हैं। उधर क्लोक ने पीछे से घातक को मीन टाइम नॉकआउट कर चुका, स्मोकी के ऊपर M4 का टैप टैप दिया जा रहा है बट एक शॉट हेड शॉट अगर आ जाता है परितोष के ऊपर कार 98 पर आते हैं। स्मोकी प्ले जोन के डैमेज करके नॉकआउट, नियो को भी ऊपर नॉकआउट कर दिया गया। TSM NTT आज उतना ज्यादा अच्छा गेम भी हम लोग देखने को नहीं मिल रहा, जॉनसन जोन के अंदर एंट्री कर रहे थे, जेड गॉड भी बचे बट आई थिंक यहाँ पर इन दोनों का बचना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा। घातक लीडर हो चुका है, प्लेजर का डैमेज है, गेल वहाँ पर नॉकआउट हो चुका है, वहाँ पर ओआर के स्क्वाड को चलेंगे। दलजीत आज बहुत ही अच्छे फॉर्म में है जैसे हम लोग को देखने को मिला बट वो भी नॉकआउट हो जाएगा सेल्स कल्ट्रॉन के द्वारा जो पीछे से इसको नॉकआउट करते हुए मवी भी है बट पीछे जाते हुए पावर हाउस के बंदे के ऊपर एंड नॉक पिकअप करते हुए वो भी नॉकआउट हो जाएगा। वीरू इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग जोन के अंदर आ चुका है बट वो कब तक सर्वाइव कर सकता है वो देखना पड़ेगा। चारों साइड से स्प्रे वगैरह आएंगे, स्मोक कर लेना चाहिए था जो करने का टाइम ही नहीं है। सेल्फ जोन डैमेज देखो, जोन के डैमेज कितने सारे बंदे डाउन हो रहे हैं बट INDI इन बीच में 5 किल उठा चुके हैं जोन डैमेज से। देखो भाई बैक टू बैक स्कोर, मंदीप नॉक फिनिश हो रहा है। मार्कोस गेमिंग के स्क्वाड के ऊपर चलेंगे, मार्कोस गेमिंग यहां पर किल्स उठाना चाह रहे हैं, पहला किल निकाल चुका है INDI ने यहां पर पावर हाउस स्क्वाड को क्लियर करते हुए। मार्कोस गेम मैच में नॉकआउट हो जाएंगे या नहीं होंगे वो देखना पड़ेगा। ये चीज यहां पर उसने किया नहीं जो करना चाहिए था, ब्रॉलर की तरह से दूसरी साइड से उतरना जैसे बहुत प्रोफेशनल बंदे करते हैं। जॉनाथन के ऊपर नॉकआउट कर दिया गया, चारों साइड पे फाइट हो रहा है। मैं लिटरली कंफ्यूज हो चुका हूं कि कौन सा फाइट देखा, क्योंकि अभी राजधानी ट्रेन का स्पीड किल फीड पकड़ चुका है, हर एक एंगल में फाइट हो रहा है। इससे अच्छा है मैं ऊपर से दिखाऊं आप लोगों को ज्यादा अच्छा पता चलेगा। यहाँ पर VSC क्रॉलर से इवो भी नॉक भी करना चाहेंगे, VLT से ड्यूस के ऊपर पुश किया जाएगा, आखिरी बंदा है उसको यहाँ पर क्लियर आउट किया जा सकता है। इवो वन भी बोल ड्यूस को अच्छा खासा डैमेज दिया, वीडियो को क्लियर आउट कर दिया मारा, ओवर का स्क्वाड क्लियर आउट हो चुका, टॉप 7 स्क्वाड पर हम लोग आ चुके हैं गाइस। एनएमए फेलोसिटी स्क्वाड को भी डाउन हो जाएगा, टॉप 6 स्क्वाड पे आ चुके हैं। VSC क्रॉलर्स के पास 4 किल है, मार्कोस गेमिंग बचे हैं, मेगा स्टार्स बचे हैं तीन चारों को चारों बंदे के साथ 3 किल के साथ एंड टीम NTT जॉनाथन फिर से नॉकआउट हो चुका है। जेड गॉड को फिर से देखना पड़ेगा वो जोन के अंदर एंट्री करते हैं बट जॉनाथन को बचाया जाएगा कि नहीं, आई डोंट थिंक जेड गॉड उसको बचा पाएगा। जोन के अंदर जाके यहाँ पर लेट जाएगा, कवर बनाएगा, नॉक किसी को करना नहीं चाहेगा, यहाँ से नॉक फिनिश करना चाहेगा जरूर बट नॉक करके फिनिश करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, उसका स्क्वाड भी पोजिशन आ सकता है बट He is going for the fight and अभी को उसने नॉक किया बट उसका किल निकाल नहीं पा। डूड वहां पर नॉकआउट हो चुका है, मेगा स्टार्स का स्क्वाड से पैराडॉक्स स्पॉटेड है। यहां पर मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड आई थिंक मेन टाइम क्लियर आउट हो चुका है, टॉप 4 स्क्वाड आप लोगों के सामने यहां पर है। TSM NTT है, जेड गॉड N4 को ऑलमोस्ट नॉक, यस ऑलमोस्ट क्या नॉक आउट ही कर चुके हैं एंड इधर TSM NTT चारों के चारों बंदे बचे। INDI गाइस जैसे मैं बोल रहा हूं हर एक जोन के एंड पे आ जाता है, कहां कहां से रोटेशन देके भाई बहुत ही प्यारा रोटेशन रहता है टीम INDI एंड उसके टीम से CG के ऊपर पूरा गेम आ चुका है बट यहाँ पर वो लोग टीम INDI को रोकना चाहेंगे, क्रेटोस से नॉकआउट हो जाएगा लेकिन जोन के अंदर जाना के लिए उसके ओपन से आना पड़ेगा। स्मोक वॉल वगैरह बनने की कोशिश किया जा रहा है, बस प्लेयर को भी स्प्रे कर दिया जा रहा है पर उसे स्नैक भी नॉकआउट हो चुका है बट यहाँ से एज भी बहुत ही अच्छा गेम दिखा रहा है उसके ऊपर क्लोज इन कर चुका है। मेगा के इन कोरा नहीं, यहाँ पर वो भी नॉकआउट हो सकता है, HP भी नॉकआउट हो चुका है, VSC क्रॉलर्स क्लियर आउट हो चुका है, INDI से सिर्फ बचे इसलिए 1v4 सिचुएशन है फॉर देम। यहाँ पर मेगा स्टार के स्क्वाड ने बहुत ही परफेक्ट टाइम पे पुश किया एंड उस पुश के कारण चार का चारों बंदे बच गए, यहाँ पर चिकन डिनर लेने के नजदीक आ चुका है। 1v4 पर स्लेयर कैन स्लेयर यहाँ पर क्लच कर सकता है, ये एक भी किल निकाल सकता है वो देखना पड़ेगा। VSC को नॉकआउट करने के नजदीक था बट यहाँ पर स्लेयर आ जाएगा उस साइड से लेफ्ट बंदा एंड टीम INDI यहाँ पर क्लियर आउट हो जाएगा। टीम मेगा स्टार coming up with the winner chicken dinner guys 12 kill ke saath GG मेगा स्टार इन द चैट हो जाना चाहिए फॉर 12 फ्रिकिंग किल्स चिकन डिनर जो लास्ट एंड मोमेंट पे पुश था VSC कॉलर से, पूरा गेम छीन के ले गए मेगा स्टार के स्क्वाड ने एंड वहां पर बहुत ही प्यारा फिनिश किया मेगा स्टार्स 4v1 ऑन टीम INDI स्लेयर एंड दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर स्लेयर एंड चिकन डिनर ले गए मेगा स्टार स्क्वाड बाई 12 का GG फॉर देम एंड गाइस जो को भी अभी भी देख रहे हो एंड अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया यार।